आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें बच्चों को पालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या आपको लगता है कि ट्रैवल बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है? आप सिर्फ जानवर ही पाल सकती हैं, इंसान को पाला नहीं जाता। ये इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा अपराध है कि आपने पहले से ही तय कर लिया कि आपके बच्चे को क्या बनना चाहिए। मैं एक पेरेंट हूँ, एक माँ हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें बच्चों को पालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैं एक वर्किंग मदर हूँ। मैं उतना समय नहीं गुजार पाती जितना कि मेरी माँ ने गुजारा था। आप उन लोगों के लिए क्या सुझाव देंगे? तो आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपकी माँ ने अच्छा काम किया है? हाँ, मुझे लगता है। Why do you think your child doesn't deserve that? आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपका बच्चा उसका हकदार नहीं है? आपको इसे ऐसे देखना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, पर जब आपका बच्चा होता है तो ये एक 20 साल का प्रोजेक्ट है। ऐसा तब है जब वो अच्छा करते हैं, नहीं तो ये एक उम्र भर का प्रोजेक्ट है। हमें समझना चाहिए ये इस बारे में नहीं है कि कितना समय आप उनके साथ गुजारते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा समय गुजारते हैं तो वो परेशान हो जाएंगे। तो आपका उनके साथ संबंध में होने का एक तरीका है। मैं एक माँ हूँ। जब आप ऐसा बोलती हैं और आपको अपने बच्चे को पालना है, आप सिर्फ जानवर को पाल सकती हैं, इंसान को पाला नहीं जाता। अगर आप एक इंसान को पालती हैं तो वो सिर्फ एक जानवर के जैसा होगा, वो सिर्फ किसी झुंड के जैसा होगा। आपको पालना नहीं चाहिए, आप सिर्फ उन्हें विकसित करें और देखें कि क्या खेलने वाला है। पर पालना यानी आपने पहले ही तय कर लिया है कि उन्हें क्या बनना चाहिए, ये कभी भी तय ना करें। मैं बता रहा हूँ, ये इंसानियत के खिलाफ अपराध है। मैं बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है कि आपने पहले ही तय कर लिया कि आपके बच्चे को क्या बनना चाहिए, सिर्फ करियर में, यहाँ वहाँ नहीं, बल्कि हर तरीके से नहीं। बच्चा होने की सुंदरता यही है कि आप सिर्फ उन्हें विकसित करें और देखें कि आखिर वो क्या बनने जा रहे हैं। इसे देखिए, शायद ये कांटेदार पौधा हो या गुलाब का पौधा हो। अभी कांटेदार पौधा लगता हो, शायद बाद में गुलाब खिले, शायद आम का पेड़ हो या नारियल का पेड़, आप नहीं जानते। आपको बस पोषण देना है, सहारा देना है और देखना है। पालने का मतलब है कि आपने पहले ही नतीजा तय कर लिया है। आप ऐसा न करें। नैतिकता और सिद्धांतों के मामले में या सिर्फ? देखिए, आप अपने बच्चे को या खुद को नैतिकता पे आधारित देखना चाहती हैं या अपनी इंसानियत पे आधारित? क्या बेहतर है? वो क्या है जिसकी इस दुनिया में कमी है? इंसानियत की। नैतिकता के नाम पे लोग एक दूसरे के प्रति अमानवीय होते जा रहे हैं, है ना? इसका क्या मतलब है? इंसानियत नैतिकता से बेहतर आधार है। कभी भी नैतिकता वो बहाना है जिसकी आड़ में आप इंसान होने का दिखावा करते हैं। पर मुझे लगता है कि आप तो इंसान हैं, फिर आपको इस बहाने की क्या जरूरत? क्या आपको लगता है कि ट्रैवल बच्चों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है? देखिए, बिना सोचे समझे सिर्फ घूमते रहना ज्यादा नहीं सिखा पाएगा, या ये आपको वो चीजें सिखा देगा जो आप अपने बच्चे को सिखाना नहीं चाहेंगी। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकती, ये हमेशा अच्छा नहीं होता। तो ये बातें अंग्रेज लोगों द्वारा बोली गई हैं और हम वही सब बातें दोहरा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग एक छोटे से टापू में कैद थे। अगर वो नहीं घूमते तो अधिकतर वो काले बादल के अलावा कुछ और नहीं देखते, ठीक है? यहाँ तक कि सूरज की रोशनी के लिए भी उन्हें भारत आना पड़ा। तो ये ट्रैवल सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, ये किसी अंग्रेज व्यक्ति द्वारा कहा गया है, क्योंकि वो एक बिल्कुल छोटे से टापू पर कैद थे। जब आप किसी टापू पर हों तो आपको जरूर घूमना चाहिए, पर अगर आप कहीं और हैं तो मौज मस्ती के लिए टापू पर जाना चाहिए। यही तो पूरी बात है। मैं उसे एक नुस्खे की तरह नहीं बनाऊंगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। कुछ लोग घूमने के साथ विकसित होते हैं, कुछ घूमकर बर्बाद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसे वैसे ही देखना चाहिए, ये एक नुस्खे की तरह नहीं है, पर कई सारे लोगों को घूमने से फायदा होगा। कम से कम वो अपने हर रोज के ढांचे से मुक्त हो जाएंगे जो उन्होंने अपने दिमाग में बना लिए हैं, कि वो किससे बात कर सकते हैं, किससे बात नहीं कर सकते, नई जगहों में, नए लोग, ये उनको थोड़ा ढीला कर सकता है। सच में।